हाय एवरीवन, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। आज मैं बात करने वाली हूँ एकोलेलिया के बारे में। सो एकोलेलिया क्या है? एकोलेलिया का मतलब होता है हम जो कोई भी चीज़ सुनते हैं टीवी में या कोई मूवी का डायलॉग या कोई गाना या कुछ भी जो हमें बहुत पसंद आया है, हम जब उसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी साउंड में, अपनी लैंग्वेज में, उसे एकोलेलिया कहते हैं। हो सकता है अगर मेरी स्पीच क्लियर नहीं है या मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं बस उस गाने की धुन को ही गुनगुनाऊँ। सो एकोलेलिया जो है, कुछ भी आपने सुना उसका एको प्रोड्यूस किया, उसे एकोलेलिया कहते हैं। अब ऑटिज़म में इसका क्या रेलेवेंस है? एकोलेलिया जो होता है वो ऑटिज़म से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि एकोलेलिया हम टिपिकल ह्यूमन बींग्स में भी होता है। हम लोग भी एकोलेलिया प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम करते हैं बाय द एज ऑफ 3, जब तक हमारी लैंग्वेज प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। लेकिन क्योंकि एक न्यूरोडाइवर्स के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए उनका एकोलेलिया जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। कई बच्चे जो जल्दी लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, जो स्पेक्ट्रम पर होते हैं, उनका एकोलेलिया धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जो बच्चे देर से डेवलप करते हैं लैंग्वेज स्किल्स को, उनका एकोलेलिया कुछ लंबे टाइम तक चलता है। सो नाउ एकोलेलिया दो तरीके का होता है, एक होता है इमीडिएट एकोलेलिया, एक होता है डिलेड एकोलेलिया। इमीडिएट एकोलेलिया का मतलब है आपने अभी कुछ बोला और मैंने अभी गुनगुना दिया। डिलेड एकोलेलिया का मतलब है आपने कुछ बोला और मैंने उसे बाद में यूज़ किया। हो सकता है 2 घंटे बाद, हो सकता है 3 घंटे बाद, हो सकता है 3-4 दिन बाद। मुझे कोई गाना बहुत पसंद आता है तो मैं उसे जब किचन में काम कर रही होती हूँ तब उसे गुनगुनाते हुए अपना काम वाइंड अप कर लेती हूँ। रीजन, क्योंकि मेरे लिए वो सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी है। उस समय मैं परेशान भी हो रही होती हूँ, मैं काम भी कर रही होती हूँ, लेकिन मैं गाना गा रही होती हूँ क्योंकि उससे मुझे काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, काफी एनर्जी मिलती है और हैप्पी फील होता है। सो सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी है। न्यूरोडाइवर्स इंडिविजुअल्स भी कई बार मूवी के डायलॉग्स, कोई गाना या कुछ भी ऐसा जो उन्हें बहुत पसंद है उसे रिपीट करते रहते हैं। एकोलेलिया लैंग्वेज का डेवलपमेंट का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो एक तरीके की रिहर्सल समझिए कि जब एक न्यूरोडाइवर्स को लैंग्वेज प्रोसेस करनी है तो वह आपकी कही हुई बात को बार बार रिपीट करेगा, अपने मन में रिपीट करेगा। कई बार डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए भी एकोलेलिया यूज़ होता है। जैसे अब मुझे नल चलाना है, मुझे हाथ धोने हैं, सोप लगाना है, एकोलेलिया चलता रहता है। हम टिपिकल ह्यूमन बींग्स में भी होता है, लेकिन हम टिपिकल ह्यूमन बींग्स का एकोलेलिया मन में चलता है, हम वर्बली उसे नहीं बोलते हैं। अगर मुझे एक सैंडविच बनाना है तो सैंडविच बनाने के स्टेप्स मेरे मन में चलते रहेंगे। सो वो मेरे अंदर है एकोलेलिया, बाहर नहीं है। लेकिन मुझे लैंग्वेज प्रोसेस करनी आती है तो अगर मुझसे कोई आकर पूछेगा कि सैंडविच कैसे बनाना है तो मैं अपने टर्म्स में उसे समझा दूंगी। लेकिन अगर आप किसी ऑटिस्टिक या किसी न्यूरोडाइवर्स इंडिविजुअल से पूछेंगे कि सैंडविच कैसे बनाना है तो अगर उन्होंने वो स्टेप्स लर्न कर रखे हैं तो वो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में आपको वो स्टेप्स सुना देंगे। क्योंकि लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरर है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग इशू है, इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आती है अपनी भाषा में चीज़ों को बताने के लिए। सो एकोलेलिया जो है, इमीडिएट और डिलेड एकोलेलिया दोनों ही कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। इमीडिएट एकोलेलिया होता है पार्ट जब आपने कुछ बोला और मैंने इमीडिएटली रिपीट कर दिया। जैसे मैं विराज से पूछती हूँ पानी पी लो तो विराज एकदम से बोलता है पी लो पानी पी लो। सो उसका वो इमीडिएट एकोलेलिया है। लेकिन वो एकोलेलिया इसलिए है क्योंकि वो मुझे ये बताना चाहता है कि हाँ मुझे पानी पीना है, हाँ मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं कहना आता कि हाँ मुझे पानी दे दो, बट मैं आपकी बात रिपीट कर अपनी प्रेजेंस और अपनी कम्युनिकेशन शो कर रहा हूँ। सो मैं उसे पानी देती हूँ और वो पी लेता है। सिमिलरली डिलेड एकोलेलिया बहुत है विराज के साथ। कोई भी कार्टून देखा, कोई गाना सुना, हम कोई भजन गा रहे हैं अगर, तो वो बहुत जल्दी याद कर लेता है और डिलेड एकोलेलिया के रूप में हम काफ़ी बार सुन रहे होते हैं। तो कभी कभी कोई कार्टून की हम लाइंस सुन रहे होते हैं, कभी कभी हम कोई राइम सुन रहे होते हैं, कभी कभी हम कोई गाना सुन रहे होते हैं। सो डिलेड एकोलेलिया है। लेकिन हाँ, हम विराज को बहुत ज़्यादा डिलेड एकोलेलिया के लिए मना नहीं करते हैं क्योंकि डिलेड एकोलेलिया लैंग्वेज प्रोसेस करने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो एक तरीके की रिहर्सल है जब तक बच्चा कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है।
जैसे मैं विराज को बहुत बार बोलती हूँ अरे ये क्या है, सो अब विराज ने उसे फंक्शनल एकोलेलिया की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है। मैं कोई भी नई चीज़ लाती हूँ तो विराज बिल्कुल मेरी ही टोन में मेरे ही वर्ड्स रिपीट करता है कि अरे ये क्या है, सो वहाँ पर वो है फंक्शनल एकोलेलिया। फंक्शनल एकोलेलिया मतलब आप ही की बोली हुई कोई चीज़ या कहीं पर सुनी हुई कोई चीज़ बच्चा कम्युनिकेशन में इस तरह से फिट कर रहा है कि वो एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज लगेगी, यानी कि आपको लगेगा कि उसने आपसे बात करी बट एक्चुअली वो उस समय एकोलेलिया प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका दिमाग इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी लैंग्वेज पे धीरे धीरे अपनी कमांड बिठा ली है, इसलिए वो उसे फंक्शनल एकोलेलिया की तरह यूज़ कर रहा है, या वो बिल्कुल सिचुएशनल बेस्ड आंसर दे रहा है, रटा रटाया फ्रेज। सो एकोलेलिया अगर आपका बच्चा करता है प्लीज़ उसे रोकिए मत। अगर वो आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका वो आंसर नहीं दे रहा है, वो कोई राइम गा रहा है, कुछ भी गा रहा है, सिंग अलोंग। अगर मेरा बेटा कोई भी राइम गा रहा होता है एकोलेलिया के रूप में, सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी है। मैं क्या गाना नहीं गाती, या आप क्या गाना नहीं गाते हैं, वॉशरूम में गाते हैं, किचन में गाते हैं, कितनी बार गाना गा रहे होते हैं सेल्फ सूद करने के लिए। सो हम अपने बच्चों को क्यों रोकते हैं कि ये बड़बड़ा रहा है, इसे गाने मत दो, इसे बोलने मत दो। अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं ये करती हूँ कि मैं उसके साथ गाना शुरू कर देती हूँ। अगर वो कोई लाइन बोल रहा है तो मैं उसके साथ वो लाइन बोलनी शुरू कर देती हूँ। इससे उसे ये हेल्प मिलती है कि उसका अटेंशन जो है वो मेरी तरफ चाहता है, उसे लगता है कि मैं कुछ गा रहा था, मम्मा भी गा रही है। तो यहाँ पे हम टेकिंग टर्न्स, यानी कि अगर मैंने कुछ बोला तो सामने वाला भी कुछ बोलेगा और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं उसे कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो कोई ऐसी लाइन बोल रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा स्काई का लोगो देखकर विराज जनरली एकोलेलिया प्रोड्यूस करता है, टाटा स्काई पे कॉल करने के लिए या टाटा स्काई पे सब्सक्राइब करने के लिए कॉल करें 911 एंड जो भी नंबर है। सो हम जब भी एलिवेटर से आ रहे होते हैं वहाँ टाटा स्काई का एक लोगो लगा है, तो विराज तब उसे देखकर एकोलेलिया प्रोड्यूस करता है। सो वो उसके लिए डिलेड एकोलेलिया है, लेकिन हो सकता है क्योंकि उसे वो ट्रिगर हुआ एकदम देखकर, तो उसे ये तो नहीं बोलना आ रहा कि टाटा स्काई का लोगो मैंने एड में देखा था, क्योंकि टिपिकल बच्चा इसी तरह बताएगा कि मम्मा देखो टाटा स्काई का लोगो है, हमारे घर पे टाटा स्काई लगा हुआ है। विराज का तरीका टाटा स्काई की एड की लाइन बोलना है। सो ये एज अ पेरेंट आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा फंक्शनल एकोलेलिया कर रहा है, डिलेड एकोलेलिया कर रहा है, या इमिडिएट एकोलेलिया कर रहा है। बच्चे के साथ बात करिए लेकिन उसको मीनिंग समझाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत लाउड वॉइस में बात करेंगे, आप फैमिली में हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आप हाई पिच पे बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी से भी एकोलेलिया ट्रिगर होता है। सो अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको लग रहा है बच्चा एकोलेलिया कर रहा है और बहुत तेज़ी से एकोलेलिया उसका कॉन्टिन्यूसली हो जा रहा है, तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट करिए, पार्टिसिपेट करिए उसके एकोलेलिया में। एकोलेलिया एक तरीके की रिहर्सल है। सो एकोलेलिया को रोकना नहीं है, उसे कम करना है और उसे मॉडिफाई करना है। बच्चे को एकोलेलिया यूज़ करना सिखाना है कम्युनिकेशन के लिए। सो मैं एक क्लिप शो करूँगी जहाँ पे एक राइम है यू लव मी एंड आई लव यू, सो मैं वो बोल रही हूँ और विराज जो है एकोलेलिया प्रोड्यूस कर रहा है। सो विराज को बोलना तो नहीं आता, अगर मैं अभी उसे बोलूंगी कि जाओ विराज मुझे आई लव यू बोल दो तो वो नहीं बोलेगा, लेकिन क्योंकि हम राइम गा रहे थे तो उसके माइंड में वो ट्रिगर हुआ और मैंने उस एकोलेलिया को कम्युनिकेशन का पार्ट बना लिया। सो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इस क्लिप में आप चेक कर सकते हैं कि एकोलेलिया एक्चुअली कैसा दिखता है। यू लव मी एंड आई लव यू, आई लव यू, I love you. I love you. I love you. I love you. Can you tell me I like to eat what?